प्रूव डेट रूट फाइव इज इरेशनल, तो हमें प्रूव क्या करना है, रूट फाइव इरेशनल, ठीक है, या रूट फाइव इरेशनल नंबर है। तो जब भी हम एक किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने से पहले एक हम असम्पशन ले लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको हम रैशनल एज्यूम कर लेते हैं असम्पशन के थ्रू, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इरेशनल नंबर क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल ही होगा, ठीक। तो रैशनल नंबर जब हम कंसिडर कर लेते हैं, किसी भी दिए हुए नंबर को असम्पशन कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पी बाई क्यू या ए बाई बी, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो या फिर बी नॉट इक्वल टू जीरो। और रैशनल, और फिर जब हम फर्दर उसको कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं, कंडीशंस पे कंडीशंस जब हम चेक करते हैं, तो हमें एक कंडीशन मिलता है आखिरी में, वो क्या होता है कि ए और बी या फिर पी और क्यू, ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो एक ही फैक्टर से डिविजिबल हो जाते हैं, मीन्स दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर ही रहता है, उसी फैक्टर से वो डिविजिबल होते हैं। तो यहीं पे ये कंट्राडिक्शन बन जाता है, क्योंकि रैशनल नंबर में कभी भी पी और क्यू कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे जब कंट्राडिक्शन बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो नंबर जो दिया हुआ था वो इरेशनल प्रूफ हो जाता है, क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करता है रैशनल नंबर के लिए, इसलिए वो क्या हो जाता है, इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट अस एज्यूम रूट फाइव बी अ रैशनल। तो अगर रूट फाइव रैशनल है तो जनरल फॉर्म रैशनल नंबर का क्या होता है, ए बाई बी, ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव, वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव इंटू बी। नेक्स्ट स्टेप में अगर दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव इंटू बी स्क्वायर। अगर आप यहां से चेक करोगे तो आपको यहां पर से क्या अजम्पशन मिलता है, आउटकम्स क्या मिलेगा, सपोज ये क्वेश्चन नंबर वन है, यहां से आउटकम क्या मिलेगा आपको, दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव, देयर फोर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव। तो ये दो आउटकम्स आपको मिल गए कि ए स्क्वायर भी डिविजिबल बाय फाइव से, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव। तो यहां पे हम कंसिडर कर लेंगे एक फैक्टर, लेट ए इज इक्वल टू फाइव सी, वेयर सी इज एनी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है सी, ठीक है। हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू फाइव सी कंसिडर किया। अब ए की जगह अगर हम फाइव सी सब्सिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, फाइव सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, ये ट्वेंटी फाइव बाई फाइव सी स्क्वायर, देयर फोर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ट्वेंटी फाइव बाई फाइव इज नथिंग बट फाइव सी स्क्वायर। तो इनिशियल केस में हमने क्या देखा, इनिशियल केस में हमने देखा था कि ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा था फाइव से, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव। अब इस केस में हमें क्या मिल रहा है कि बी स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल हो जा रहा है, फाइव से, सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, देयर फोर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव। अब आप चेक करो यहाँ पे जो ए बाई बी का फॉर्म था, ये रैशनल नंबर का जो फॉर्म था, जनरल फॉर्म ए बाई बी का, यहाँ पे आप देखो आपको क्या मिला, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव, तो ए का फैक्टर क्या हो गया, फाइव। अब सेकंड केस में आपको क्या मिला, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, देयर फोर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव, तो अब बी का भी फैक्टर क्या मिल रहा है आपको, फाइव मिल रहा है। दस ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर, दस ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर फाइव। तो हमने एज्यूम क्या किया था, रूट फाइव को रैशनल नंबर एज्यूम किया था। रैशनल नंबर में कभी भी ये ए और बी जो दो पैरामीटर्स, ये कभी भी कॉमन फैक्टर्स एक नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक कंट्राडिक्शन अराइज होता है कि ये जो फैक्टर्स है
जो ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 5, यही आपका क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जब ये रैशनल लॉ के फॉलो नहीं करता, रैशनल नंबर्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इरेशनल। हेंस रूट 5 इज इरेशनल। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो जाएगा आपका प्रूफ।